नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों को गोली मार देनी चाहिए और उनका गर्दन काट लेना चाहिए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मुंबई पहुंचे जगतगुरु आचार्य परमहंस महाराज का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब अब हम पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देंगे। इसके पहले भी संत ने सनातन विरोधी स्टालिन की गर्दन काटने वाले को मैं 10 करोड़ का इनाम की बात कही थी। इसके अलावा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को मैं इससे भी बड़ा इनाम दूंगा, यह बात मैंने कही है और अपने बयान पर मैं कायम हूँ। आपको बता दें कि लगातार सनातन विरोधियों के खिलाफ जो है जगतगुरु परमहंस लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और यही कारण है कि मुंबई पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यक्रम में उन्होंने फिर एक बार सनातन विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि उनका गला काट लेना चाहिए अगर जो भी सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने का विरोध करते हैं। इन लोगों को हमने एक बार जवाब दिया था और उस जवाब के बाद जो है काफ़ी इन लोगों में जो है तो विराम लगा है। हमने स्टालिन के लिए कहा था कि हम 10 करोड़ दूंगा जो इसकी गर्दन काट के हमारे पास ले आए। मौर्य के लिए हमने कहा 25 करोड़ दूंगा जो इसको गोली मार दे। और एक बिहार का शिक्षा मंत्री रहा, उसके लिए भी मैंने कहा था कि इसकी जीभ काटो। देखिए ऐसा है, हमारा हम लोग हैं सनातनी। सनातन का मतलब यह है कि हम मानवतावादी हैं, हम सबके शुभचिंतक हैं। लेकिन अगर कोई मानवता को समाप्त करना चाहेगा तो उस राक्षसी प्रवृत्ति का वध हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह से आतंकवादी के लिए जो है उसको जो है मार देना ही अहिंसा है, उसी तरह से जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जो कत्ल कर रहे हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को या तो ये सुधर जाए या तो इनको हम लोग जो है मौत के घाट उतार दें। और ये सरकार के लिए भी है कि सरकार इसमें विचार कर ले, जो भी करना हो। हम हिंदुओं ने तो विचार कर लिया है कि अब हम भाईचारा एक तरफा नहीं निभाएंगे। मैंने भाईचारा निभाने का बहुत प्रयास किया, हम भाई मानते रहे, वो चारा मान के हमें काटते रहे। हमारे करोड़ों निर्दोष हिंदुओं की जो हत्या हुई है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। इसलिए अब सभी सनातनियों को रोड पर उतरने की ज़रूरत है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र, जिस दिन वैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन से सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, राम राज्य आ जाएगा और एक एक मंदिर के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के 5 साल के अंदर कोई एक यहाँ जो है मौलाना नहीं मिलेगा, इमाम नहीं मिलेगा किसी मस्जिद के लिए, एक पादरी नहीं मिलेगा चर्च के लिए, तो क्या हम लोग मारेंगे? ना ना ना, ये सारे के सारे कन्वर्टेड है, फिर घर वापसी कर लेंगे। अखिल भारतीय आर्यावर्त संघ के अंतर्गत राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि पहले एक कहावत थी कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। मेरा कहना यह है कि अब वो समय नहीं, अब ईंट का जवाब लोहे से दो। और अब ये उचित समय है कि सनातन धर्म को जो बिखराया गया, सभी सनातनी अब एकजुट होकर के और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य मतलब हिंदू राष्ट्र, दोनों एक ही है। तो अब समय यही है और उसके लिए पूरी तैयारी पूरे देश में हो चुकी है और जहाँ माला की ज़रूरत पड़ेगी तो माला भी हम लोग फेरते ही हैं और भाला की जरूरत पड़ेगी तो शस्त्र भी चलाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए जो भी इसके लिए कीमत चुकानी पड़े हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्शन डे देखा है, हमने जो है तो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देखा है, हमने निर्भया जैसे यहाँ कांड देखे हैं, हमने लाखों हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके तड़पा तड़पा करके उनको जो मारा गया उसको देखा है, अब बर्दाश्त के बाहर है। हम उन गद्दारों को यहाँ नहीं रहने देंगे जो हिंदुस्तान की खा के पाकिस्तान की गाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
मानव मात्र के आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के नायक तो है ही हैं, लेकिन मानव मात्र के आदर्श है। आज तक दुनिया में ऐसा किसी का चरित्र नहीं रहा जो संबंधों की मर्यादा की एक लकीर खींच सके। तो ऐसे प्रभु श्री राम कि जो एक राजा के पुत्र होकर के और माता पिता के आदेश से 14 साल वो कांटों में जंगल में चले जाते हैं, एक भाई के छोटे भाई के लिए जो कहते हैं हमारा भाई राजा बने, छोटे भाई का ये आदर्श है कि बड़े भाई की खड़ाऊ रख करके शासन करते हैं और जमीन के नीचे रहते हैं कि बड़े भाई का जहाँ कदम पड़ता है छोटे भाई का सिर रहना चाहिए, ये आदर्श और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब वो प्रभु श्री रामलला का जो मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी 2024 12:20, वो अद्भुत है। मैं तो कहूंगा कि वो राम उत्सव घर घर मनाया जाना चाहिए, हर व्यक्ति के दिल में मनाया जाना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में राम बैठ जाएं। इसलिए मैंने भी 7.5 करोड़ का एक 28 मीटर का लंबा चौड़ा दीपक जो है हमारे कई इंजीनियर बना रहे हैं कि एक उसका नाम होगा दशरथ दीपक, एक दशरथ दीपक हम जलाएंगे जो 10 दिन पहले प्रज्वलित होगा और जो पूरी दुनिया का जो नफरत का अंधेरा है वो मिटा देगा, फिर मानवता का परचम लहराएगा।